सर B4 से स्टार्ट करते हैं, उसका प्राइसिंग क्या है सर? अब बात करते हैं B6 का। सर B6 का, सर B6 ऑप्शनल 136,327 रुपए का डाउन पेमेंट। 136,000 का इस हमारा सेगमेंट की गाड़ियां हैं, बोले B4 B6 और B6 ऑप्शनल 1 लाख से 1.5 लाख के बीच। हाँ, 1.5 लाख के सब नीचे ही, सब 1.5 लाख के नीचे ही है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, आज हमारे सामने खड़ी है बुलेरो B6। ये पुरानी वाली बुलेरो है गाइस, और आज हम करने वाले इसका पूरा फाइनेंस डिटेल कवर। इसके सब वेरियंट का आपको प्राइस बताएंगे, साथ ही साथ प्राइस लिस्ट भी देंगे आपको, और साथ ही साथ इसका हर एक वेरिएंट का लो डाउन पेमेंट, लो ईएमआई सब कवर करने वाले, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, वेटिंग पीरियड कितना है, बुकिंग चार्ज कितना लगने वाला है, तो सब बात करेंगे। सबसे पहले अमर सर को बुला लेते हैं। अमर सर आ जाइए। तो अमर सर से पहले हम ये पूछेंगे, सर आपको स्कॉर्पियो का वीडियो कैसा लगा? बहुत शानदार, बहुत अच्छा। उससे कही तो हमारा स्कॉर्पियो का सेल काफी बढ़ गया है। 3 लाख व्यूज है स्कॉर्पियो पे। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। स्कॉर्पियो क्लासिक पे हमने पूरा डिटेल फाइनल डिटेल बताया है, उसके डाउन पेमेंट से भी कम डाउन पेमेंट भी निकलने वाली है, ये मैं बता देता हूँ। पहले स्टार्ट करेंगे सभी वेरिएंट का प्राइसिंग से। तो सर सभी वेरिएंट का प्राइसिंग बता दीजिए। हाँ, देखिए बोलेरो में क्या है कि तीन आता है मॉडल आपका, तीन मॉडल। हाँ, एक बोलेरो B4, बोलेरो B6 और B6 ऑप्शनल आता है। तो दोस्तों तीन मॉडल आते हैं, एक है B4 और B6 और ये B6 ऑप्शनल। ये सर B6 है, सिर्फ B6 है, ये हमारा B6 वेरिएंट है, क्योंकि इसका अभी डिलीवरी हो रही है, अभी डिलीवरी होने वाली, इसीलिए गाइस थोड़ा सा नॉइज आएगा तो उसको इग्नोर करना। अभी इसमें एक्सेसरीज लग रहा है, हो रहा है इसमें, तो थोड़ी देर में डिलीवरी है इसका। सर B4 से स्टार्ट करते हैं, उसका प्राइसिंग क्या है सर? देखिए B4 का एक शोरूम देखेंगे तो वो पड़ेगा 9,78,001 रुपया। 9,78,001 रुपया ऑन रोड है? ऑन रोड नहीं, एक शोरूम है ये, एक शोरूम। हमारा ऑन रोड पड़ेगा 11,36,327। 11,36,327 रुपया है हमारा B4 का, जो बेस मॉडल आती है। अब बात करते हैं B6 का। सर B6 का, देखिए B6 अगर आप लेते हैं तो उसका दाम पड़ेगा आपको 9,99,994 रुपया, एक शोरूम, ये एक शोरूम। हाँ, अगर लेते हैं ऑन रोड तो पड़ेगा 11,61,484 रुपया। 11,61,484 रुपया ये हमारा B6 का हो गया ऑन रोड प्राइस गाइस। सर B6 ऑप्शनल वो लेते हैं तो उसका एक शोरूम पड़ेगा 10,79,000। 10 लाख एक शोरूम। हाँ, और लेते हैं ऑन रोड तो पड़ेगा 12,62,578। 12,62,578 रुपए। ये सर 11,62,000 का है। हाँ, 11,61 का है। तो ये B6 मॉडल खड़ी है, अंदर से सब चीज दिखाएंगे, सब मॉडल आपको दिखाएंगे गाइस। बात करते हैं, अगर आपको अपने सिटी का ऑन रोड प्राइस चाहिए गाइस तो कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको हर एक वेरियंट का ऑन रोड प्राइस मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में। अब बात करते हैं B4 का डाउन पेमेंट का, लो डाउन पेमेंट का। तो लो डाउन पेमेंट सुनने से पहले ही लाइक कर दो आप लोग, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, अभी सुनो डाउन पेमेंट। सर डाउन पेमेंट बताइए। जी बिल्कुल, देखिए गाड़ी का कीमत जो है 11,36,000 रुपया है, ठीक ना। तो देखिए अगर राउंड फिगर में 1.25 लाख में हो सकता है गाड़ी आपका, ठीक ना, लेकिन हम राउंड फिगर लेके चले हैं क्योंकि कस्टमर को समझने में सहूलियत होगी। हमने इसका रखा है 1,36,327 रुपया का डाउन पेमेंट। 1,36,000 गाइस, ये 11,36,000 की गाड़ी है और सिर्फ आपको 1,36,000 पे करने, मतलब सर 10 लाख का लोन हो रहा है। देखिए सच पूछिए अगर तो 11 जो आपका 1,36 का डाउन पेमेंट है, इससे भी कुछ कम हो सकता है, इससे भी कम हो सकता है गाइस। मतलब कि गाइस आपका 11,36,000 की ये ऑन रोड पड़ रही है, 1,36,000 आपका डाउन पेमेंट, तो इससे भी कम हो सकता है। अगर आप चाहो तो अपना मन चाहे डाउन पेमेंट सर से पूछ सकते हो, सर का नंबर भी हम लोग लेंगे, शोरूम का एड्रेस भी लेंगे। तो पहले बात करते सर इसके ईएमआई में। बिल्कुल, देखिए मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये प्राइस कम हो सकता है, क्योंकि राउंड फिगर में समझाने में सहूलियत होती है और आपको समझने में भी सहूलियत होती है। इसलिए मैं, चूंकि अब एक गाड़ी है आपका 11,36,427 रुपए का, अगर इसमें 10 लाख का हम फाइनेंस करते हैं, क्योंकि 10 लाख का फाइनेंस इजिली हो सकता है, 10,10,000 का भी हो सकता है, 10-15 का भी हो सकता है, क्योंकि मैं 10 लाख ही लेके चल रहा हूँ, 10 लाख का इजिली फाइनेंस इसमें आपका हो जाएगा। ये हमारा मैक्सिमम टेन्योर है 7 इयर्स का। 7 इयर्स का, अगर वो आप लेते हैं 7 इयर्स के लिए तो वो पड़ेगा आपको 16,090 रुपया। 16,090 रुपया ये हमारा 7 इयर्स का है। तो गाइस लोड ईएमआई भी आ गया यार, 16,000 में आप इसको 7 इयर्स के लिए लेके जा रहे हो। सर 5 ईयर वाला भी पूछे, 5 ईयर वाला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 5 ईयर में लेंगे तो पड़ेगा आपको 20,758 रुपया। तो यार 5 ईयर से अच्छा मुझे 7 इयर्स वाला लग रहा है, 5 ईयर्स में 20,000 पड़ रहा है और 7 इयर्स में 16,000। गाड़ी का भी 7 इयर्स का ही फाइनेंस हुआ है। 7 इयर्स गाइस, जो ये डिलीवरी हो रही है गाइस, तो इसका भी 7 इयर्स का ही फाइनेंस हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छा बात है आपको, चलो एक एग्जांपल मिल गया कि 7 इयर्स वाला टेन्यूर अच्छा होता है। अब बात करेंगे गाइस हमारे B6 मॉडल का। B6 मॉडल का लो डाउन पेमेंट क्या पड़ेगा? ऑन रोड प्राइस भी क्लियर है, एक बार फिर से रिपीट भी कर देंगे ऑन रोड प्राइस सर। इसका B6 का सर, देखिए B6 का प्राइस लीजिएगा ऊपर का 11,61,484 रुपया। 11,61,000 सर लो डाउन पेमेंट। लो डाउन इसका भी आप अगर 10 लाख ही लेके चलिए, इसका भी, इसमें भी आपको 10 लाख का लोन हो जाएगा। 10 लाख का लोन
लोन इसमें भी। तो सर डाउन पेमेंट कितना है इसका? भी डाउन पेमेंट वही है जो मैंने बताया, तो बिफोर में बताया था। इसका मान लीजिए 1-20-25 इसका डाउन पेमेंट है, बस 1-20-25 में। तो गाइस ये जो आप वेरिएंट देख रहे हो इसको भी आप यार 1-20-25 में लेके जा सकते हो। एग्जैक्टली सर 1.5 लाख के करीबन हम लोग, हम राउंड में लेके चल, राउंड फिगर समझाने के लिए कि 1.5 लाख के भीतर ही डाउन पेमेंट है बोलेरो गाड़ियों का। 1.5 लाख का सर, तीनों हमारे सेगमेंट की गाड़ियां हैं बोलेरो B4, B6 और B6 पर्सनल। 1 लाख से 1.5 लाख के बीच। हाँ 1.5 लाख के सब नीचे ही, सब 1.5 लाख के नीचे ही है। तो गाइस ये भी गाइस आपका 1-16-1-20 में ये निकलने वाली है गाइस। सब में एकदम लोन आपका बहुत अच्छा 10-10 लाख का लोन हो जा रहा है गाइस। तो इसके लिए लाइक होना चाहिए गाइस। अब बढ़ते हैं इसके ईएमआई में। तो ईएमआई कितना पड़ेगा सर B6 का? देखिए इसमें अगर आप लेते हैं और लोन होता है इसमें आपको 10-45 का। जी सर। हाँ 10-45 का अगर आप लोन लेते हैं तो उसका पड़ जाएगा आपको 7 ईयर्स में 16,813 रुपया। 16,813 रुपया सेम ईएमआई? हाँ सेम ही है। और आपको 5 साल का पड़ेगा 21,700। 5 साल का 21,700, 1,000 बढ़ जाएगा इस आपका। तो सर अब बात करते हैं हम लोग अपने लास्ट मॉडल जो B6 ऑप्शनल है हमारा, उसमें बात करते हैं। सर B6 ऑप्शनल का क्या ऑन रोड प्राइस है और डाउन पेमेंट बता दीजिए। देखिए उस गाड़ी का प्राइस पड़ेगा 12,62,578 ऑन रोड हाँ ये पड़ेगा। इसमें आपको इसके भी सेम है 1.5 लाख के भीतर का डाउन पेमेंट है। 1.5 लाख का? हाँ। तो गाइस इसका भी 1.5 लाख का ही डाउन पेमेंट है गाइस। 1.5 लाख में कोई भी वेरिएंट उठाओ ले जाओ, ये तो आपका कम में भी निकल रहा है। 1-36-1-20 में आपका ये गाड़ी भी निकल जाएगी। वो जो B6 ऑप्शनल है वो आपका 1.5 लाख के करीबन में आने वाला है गाइस। सर ईएमआई क्लियर कर लेंगे। 1.5 लाख नहीं, 1.5 लाख से नीचे। 1.5 लाख से नीचे, 1.5 लाख प्लस नहीं होगा, 1.5 लाख से नीचे ही आने वाला है गाइस। तो 1.5 लाख के नीचे ही आएगा, प्लस नहीं होगा 1.5 लाख। तो सर ईएमआई क्लियर कर देखिए, इसमें आपको मैक्सिमम जो लोन होगा 1136 का लोन होगा। 1136 का हाँ इसमें लोन होगा। और इसमें क्या है कि 5 साल के लिए लेते हैं अगर आप लोन तो 23,581 रुपया है। 23,581 5 साल के लिए। 7 साल के लेते हैं अगर वो पड़ेगा 18,280 रुपया। 18,280 रुपया हमारा 7 ईयर्स का गाइस प्राइस भी ज्यादा यार, 1262 की पड़ती है तो प्राइस भी थोड़ा ज्यादा हो गया गाइस। तो गाइस आपका सबसे अच्छा है 7 ईयर्स का ईएमआई लो, बुलेरो लेके जाओ। ये भी जो कस्टमर है इन्होंने भी 7 ईयर का ही ईएमआई लिया। हाँ, तो बात करते हैं कि इतना अच्छा ऑफर आपको कहाँ से मिल रहा है। शोरूम का एड्रेस और सर का नंबर पूछ लेते। सर शोरूम एड्रेस अनीशाबाद बेउर मोड़ पटना। ये सर शोरूम। हाँ, सर नाम क्या हुआ सर? लीडर ऑटो सेल्स प्राइवेट लिमिटेड। ये महिंद्रा लीडर ऑटोमोबाइल से। हाँ, सर्च मार सकते हैं आप लीडर्स ऑटोमोबाइल महिंद्रा, आपको मिल जाएगा गूगल मैप पे। तो सर अपना नंबर बोल दीजिए। मेरा नाम अमरनाथ शर्मा हुआ, मेरा नंबर हुआ 9304904108। सर का नंबर आपको अपनी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, एक बार जरूर सर से आप बात कर लेना। सर बुकिंग का बहुत पूछते हैं, सर बुकिंग का क्या झमेला बताइए। कोई झमेला नहीं, 5,000 रुपया से बुकिंग कर दीजिए। अगर आप नहीं आ सकते हैं तो हमारा अकाउंट नंबर है, आप उसे भेज दीजिए, बुकिंग हो जाएगा। नंबर है सर का, आप देख लो आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा है, आप कॉल करो सर को, बुकिंग करवा लो। सर पीरियड कितना है, वेटिंग पीरियड? 1 महीना के अंदर गाड़ी मिल जाएगी। 1 महीना के अंदर, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। चलो गाइस तो आपका 1 महीना के अंदर ये गाड़ी मिल जाएगी, वेटिंग पीरियड क्लियर हो गया। अब बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा है? देखिए स्टार्टिंग हमारा होगा 8.70 से। 8.70 और बाकी डिपेंड करता है आपका सिविल स्कोर क्या है। सिविल स्कोर अच्छा रहेगा तो ये लगेगा। अगर सिविल स्कोर थोड़ा कम है आपका, मतलब 700 के और 800 के बीच में है, तो थोड़ा बढ़ सकता है, 9 हो सकता है, 9.25 हो सकता है, ये सब सकता है। तो सर डाउन पेमेंट सेम रहेगा सिविल स्कोर कम के? देखिए हाँ बिल्कुल, वो भी थोड़ा फ्लक्चुएट करेगा। डाउन पेमेंट नहीं, आपको जो ईएमआई जो मैंने बताया है वो फ्लक्चुएट कर सकता है। डाउन पेमेंट सेम रहेगा? हाँ डाउन पेमेंट सेम रहेगा। सिविल स्कोर मैटर नहीं करता है, आपका डाउन पेमेंट सेम रहने वाला है। 1.5 लाख के नीचे ही लेके जाओ, प्लस नहीं बोलूंगा मैं, 1.5 लाख के नीचे ही आप गाड़ी लेके जा सकते हो। अब बात करते हैं गाइस इसके डॉक्यूमेंटेशन में। डॉक्यूमेंटेशन क्या लगने वाले हैं, वो सब डॉक्यूमेंट्स आप जरूर सुनना। सर डॉक्यूमेंटेशन क्या? डॉक्यूमेंट पहले की तरह उतना रश नहीं है इसमें, सब अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। तो आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड जो KYC मिनिमम का होता है, फोटो लगता है। उसके अलावा अगर आप सैलरीड हैं तो आपको लगेगा 3 महीने का सैलरी स्लिप लगेगा, 2 साल का फॉर्म 16 लगेगा, 6 चेक 4 फोटो। गाइस डॉक्यूमेंटेशन आपकी स्क्रीन पे भी शो कर रहे हैं, एक बार आप अपना स्क्रीन भी देख लेना और सब डॉक्यूमेंट्स लेके आना गाड़ी लेने। ये मत बोलना कि 2-4 नहीं है सर, आप पहले नहीं बताए। पूरा वीडियो आप नहीं देखते हो, एक बार पूरा वीडियो जरूर देखा करो, तब आपको पूरा वीडियो पूरा समझ में आएगा कि क्या ऑफर है क्या नहीं है। तो बात करते हैं गाइस ये फाइनेंस हुआ किससे वो बात कर लेते। बिल्कुल हमारे जो बैंकिंग पार्टनर्स है, हमारे महिंद्रा का टाइप है, वो हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, PNB हाँ, जिससे हमारा यूनियन बैंक है, जिससे हमारा 90% तक लोन हो सकता है ऑन रोड। तो गाइस जितना जितने भी बैंक सर बताए हैं आप चाहे तो सबसे करवा सकते हो, आपका मन जिससे आप करवा लो लोन। क्या सर महिंद्रा का भी अपना है सर? महिंद्रा फाइनेंस भी अपना है। महिंद्रा फाइनेंस भी अपना ही है। चलो तो आपको कोई दिक्कत
दिक्कत होने वाला नहीं। आप लोग बहुत बोल रहे थे भाई बुलेरो पे वीडियो लाओ, बुलेरो पे वीडियो लाओ, तो बुलेरो पे वीडियो आ गई है। एसयूवी 300 पे भी वीडियो आएगी और नियो पे भी आएगी। बुलेरो को अभी है नहीं अवेलेबल, जैसे आएगी तो सर हमें जरूर कॉल करेंगे, तो हम लोग आएंगे शूट करने, तो उस पे भी वीडियो आएगी गाइस। अब बात करते हैं गाइस कुछ अपडेट के बारे में, क्या क्या इसमें आपको मिलता है इतने पैसे देने पे। तो आप देख सकते हो यहाँ आपको हेलोजन का ही सेटअप देखने को मिलता है। डीआरएस भी हेलोजन में है, इंडिकेटर भी हेलोजन में, और ये ग्रिल देख रहे हो कितना प्यारा ग्रिल आपको देखने को मिलता है। फॉग लैंप इसमें अवेलेबल नहीं होते हैं गाइस, और काफी अच्छा आपको फ्रंट लुक देखने को मिलता है बुलेरो का। और पीछे से बात करें गाइस तो पीछे से पक्का जी वैगन लगती है, बस बुलेरो का साइन हटा दो तो आपको जी वैगन लगेगी। हेलोजन में यहाँ पे भी आपको सेटअप देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ आपको व्हील पीछे ही मिल जाएगी, आपकी स्पेयर व्हील, और कुछ ऐसा आपको लुक इधर से भी आने वाला है गाइस। और कुछ ऐसा आपको देखो पीछे आपको सीट भी मिलते हैं, कवर अप वाले सीट जो काफी अच्छा लगते हैं, और बूट स्पेस आपको इतना देखने को मिल जाता है गाइस। तो गाइस आप अंदर से भी देख सकते हो, अंदर इधर आपको कोई पावर विंडो नहीं मिलता, इधर से आप सिर्फ गेट खोल सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस आपको देखने को मिलता है, एक वाटर बोतल आप यहाँ कैरी कर सकते हो, और चाबी कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। चाबी में एक इधर रिमोट कंट्रोल है, और इस साइड भी आपको रिमोट मिलती है क्योंकि ये B6 मॉडल है। और यहाँ पे आपको लाइट्स मिलती है, एम्बिएंट लाइट्स बोल सकते हैं इसको। साथ ही साथ आपका कैबिन कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, और स्टीयरिंग आप देख सकते हो, स्टीयरिंग में आपको कोई स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल नहीं मिलते, हॉर्न देख लो अच्छा हॉर्न। और यहाँ पे आपको 2D इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, मैनुअल एसी मिलती है, साथ ही साथ आपको 5 स्पीड +1 रिवर्स आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन देखने को मिलते हैं, प्लस यहाँ पे आपको 12 वाट का सॉकेट देखने को मिलता है। और ग्लव बॉक्स आप एक बार देख लो, इतना आपको अच्छा ग्लव बॉक्स मिलता है, मगर इसमें आपको पूरा डिजिटल नहीं मिलता, तो किसी में आपको यहाँ डिजिटल देखने को मिला, ये आफ्टर मार्केट आप यहाँ पे डिजिटल करवा सकते हो। और कुछ ऐसा आपको हिजार्ड यहीं पे मिल जाएगा, और यहाँ पे ऑटो आप अपने से ही कर सकते हो। वैनिटी मिरर देख लेते तो नहीं है गाइस, यहाँ वैनिटी मिरर भी नहीं है, इधर देख लेते इधर भी आपको वैनिटी मिरर नहीं देखने को मिलेगा। ऊपर एक आपको लाइट देखने को मिलेगी जो आपका हेलोजन में है गाइस। और सीट कुछ ऐसा मिलेगा आपको, जी वैगन की तरह सीट मिल जाते हैं गाइस। पीछे की बात करें तो पीछे की भी सीट वैसी है, यहाँ पे कोई आपको ग्लव बॉक्स देखने को नहीं मिलता है, कुछ यहाँ पे कंट्रोल मिलेंगे, और यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो के कंट्रोल प्लस चाइल्ड सेफ्टी लॉक आपको यही मिलता है, हैंड ब्रेक यहीं पे देखने को मिलेगा, और कुछ ऐसा आपको लीवर पूरा देखने को मिलेगा। इंटीरियर काफी अच्छा है, और स्टीयरिंग काफी अच्छी लगी, एकदम प्यारी लग रही है स्टीयरिंग मुझे। इंस्ट्रूमेंट कंसोल आप यहीं से देख सकते हो गाइस, इंस्ट्रूमेंट कंसोल मैं एक बार ऑन कर देता हूं, इंस्ट्रूमेंट कंसोल आप देख सकते हो गाइस। मैं एसी अभी बंद कर देता हूँ, तो गाइस एसी बंद हो चुका है, आप इंस्ट्रूमेंट देख सकते हो, इंस्ट्रूमेंट काफी अच्छा, आपको डिजिटल टाइप का इंस्ट्रूमेंट मिलता है, और काफी अच्छा यहाँ पे ऑडोमीटर वगैरह सब मिल जाते हैं, फ्यूल गेज भी मिल जाए, इंडिकेटर आपको यही मिल जाते हैं, हेजार्ड का स्विच यही मिल जाएगा, और यहाँ पे भी कुछ आपको आपका 2D जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाता है, और कुछ ऐसा लुक है गाइस। तो गाइस पीछे से आप देख सकते हो, मैंने बोला था पावर विंडो यहाँ मिलते हैं, और ऐसा आपको लुक देखने को मिलता है। पीछे आप 3 आदमी आराम से बैठ सकते हो, हमने ये सीट अपने अकॉर्डिंग कर ली, मतलब पीछे की थी मुझे शूट करना था, और यहाँ पे कुछ आपको हम्प हल्का मिलता है गाइस, और अच्छा आपको सीट बैकअप मिलता है, मतलब कि सीटिंग पोस्चर आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगी, कंफर्टेबल सीट है आपकी, पीछे भी अच्छी है। तो ये भाई मिनी जीप वैगन, आप इसको ले सकते हो आप। तो गाइस आप बताइए कि आपको ये कार कैसी लगी, और ये गाइस सबसे फेवरेट लगती है मुझे, मेरे पापा की फेवरेट बुलेरो है, तो आप बताओ कि आपको कैसा लगा, मेरी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो 1 लाख सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते रहेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।